हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा गिरी 96 और मैं हूँ पूजा। तो ये हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल रिपोर्ट्स दिखाने के लिए डॉक्टर को, और ये आज मेरे हस्बैंड भी साथ में जा रहे हैं। आई थिंक पूरी प्रेगनेंसी के अंदर 9 मंथ्स के अंदर ये सेकंड टाइम है जो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ हॉस्पिटल। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब जब रिवील हुई थी, जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है कंफर्मेशन के लिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं, उस टाइम पे ये मेरे साथ गए थे और ये आई थिंक लास्ट टाइम मेरे साथ जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। और वो भी हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, मेरी बहन भी मेरे साथ जा रही है। तो ऐसी पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं हुआ है कि हम दोनों साथ में गए होंगे, क्योंकि मैं बाकी कपल्स को देखती हूँ कि वाइफ हस्बैंड आते हैं, वैसा मौका हमें नहीं मिला। तो एनी वेज, बाय द वे हम लोग जा रहे हैं अब, तो व्लॉग में बने रहिए और एंजॉय कीजिए। और आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या क्या बोला। ये हम पहुंच गए हैं भागीरथी नोटिया, तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और काफ़ी अच्छे अच्छे गायनिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और मुझे भी पहले नहीं पता था, मेरे अंकल ने रिकमेंड किया था, लेकिन जब से मैं यहाँ पे दिखवा रही हूँ तो मेरे माइंड में एक बार भी नहीं आया कि मैं डॉक्टर चेंज करूँ। या मेरा उस दिन फर्स्ट डे ही माइंड सेट हो गया था कि मैं अपनी डिलीवरी यहीं पर करने वाली हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर अंदर जाने के बाद ना आपको हॉस्पिटल वाली फील ही नहीं आती कि मतलब आप इसके आसपास में भी एक दो हॉस्पिटल्स हैं, मतलब गायनिक नहीं दूसरे वाले हॉस्पिटल्स। मैं किसी रीज़न से वहाँ पे गई थी, अच्छे लग्जरी हॉस्पिटल हैं लेकिन हॉस्पिटल जैसा लगता है, पर यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल जैसा लगता ही नहीं है। मतलब आप किसी मॉल पे आए हो या फाइव स्टार होटल में आए हो, इस तरह का फीलिंग आता है। तो वो जो कष्ट तो जो होने वाला है, जो तकलीफ़ होने वाली है डिलीवरी के दौरान, वो तो होनी है, लेकिन फिर भी ये सब जो माहौल होता है ना, एक माहौल के कारण जो डर रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि डिलीवरी यहीं से करवाऊँगी। और ये हम फाइनली पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस डॉक्टर से दिखवा रही हूँ, तो मैं दिव्यांदु बनर्जी से दिखवा रही हूँ। बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम। मतलब उन्होंने एक बार बोल दिया तो फिर मैं कोई डाउट नहीं करती हूँ, इतना भरोसा हो गया मुझे उन पर। और वो सच बताऊँ तो गाइस, वो 2 मिनट से ज़्यादा देखते भी नहीं हैं, 2 मिनट में वो मतलब चेकअप हो जाता है उनका। जब भी मैं जाती हूँ तो रिपोर्ट्स, वो मतलब जैसे ही अंदर जाती हूँ तो बोलते हैं लेट जाओ, और जितने देर मुझे लेटने में लगता है उतने देर में वो रिपोर्ट पढ़ चुके होते हैं और आके चेकअप कर लेते हैं और फिर बस बता देते हैं कि नेक्स्ट कब मिलना है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और आज तक तो अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई बाय गॉड ग्रेस, और बस वही होता है उनका। और मैं अभी बिल्कुल भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके वापस घर आ जाती हूँ बिल्कुल निश्चिंत होके। और ये हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये हो गया है ना कि काफ़ी भीड़ होती है उनके, उनसे मिलने के लिए बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे बैठने में। फाइनली हमारा नंबर आ गया था और बस जा रहे हैं, जैसे ही अंदर जाएंगे 2 मिनट में वापस आ जाएंगे। और मेरी डिलीवरी भी वही करने वाले हैं, तो चलिए। और बेबी ना काफ़ी मूवमेंट कर रहा था, तो मुझे वही पूछना था सर से कि बेबी इतना मूवमेंट क्यों कर रहा है। तो सर ने बताया कि कोई नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, बेबी जो है एक्टिव है, और ये हम दिखवा के वापस भी आ जा रहे हैं। तो बस यही था आज का छोटा सा अच्छा सा ब्लॉग। सब कुछ सही रहा, सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, अच्छे थे। बस अब नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, शायद वो डेट दिया है उन्होंने और हम बस घर वापस आ गए हंसी खुशी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मैं कोई टेंशन से वापस आई हूँ, हमेशा सर बहुत चिल करते हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं, तो वही बात अच्छी लगती है। तो अगर आप भी चाहें तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, अच्छे गायनिक हैं वो।
यही था आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।